यह एचकेएल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 20। फिर सातवें वर्ष के पांचवें महीने के दसवें दिन को इसराइल के कितने पुरनिये यहोवा से प्रश्न करने को आए और मेरे सामने बैठ गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि हे मनुष्य के संतान, इसराइली पुरनियों से यह कह कि प्रभु यहोवा यो कहता है कि क्या तुम मुझसे प्रश्न करने को आए हो? प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध तुम मुझसे प्रश्न करने न पाओगे। हे मनुष्य के संतान, क्या तू उनका न्याय न करेगा? क्या तू उनका न्याय न करेगा? उनके पुरखाओं के घिनौने काम उन्हें जता दे और उनसे कह कि प्रभु यहोवा यो कहता है कि जिस दिन मैंने इसराइल को चुन लिया और याकूब के घराने के वंश से शपथ खाई और मिस्र देश में अपने को उन पर प्रकट किया और उनसे शपथ खाकर कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, उसी दिन मैंने उनसे यह भी शपथ खाई कि मैं तुमको मिस्र देश से निकालकर एक देश में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है। वह सब देशों का शिरोमणि है और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। फिर मैंने उनसे कहा, जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुम में से एक एक की आंखें लगी है उन्हें फेंक दो और मिस्र की मूर्तों से अपने को अशुद्ध न करो। मैं तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। परंतु वे मुझसे बिगड़ गए और मेरी सुननी न चाही। जिन घिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थी उनको किसी ने फेंका नहीं और न मिस्र की मूर्तों को छोड़ा है। तब मैंने कहा, मैं यहीं मिस्र देश के बीच तुम पर अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा और पूरा प्रकोप दिखाऊंगा। तो भी मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि वह उन जातियों के सामने अपवित्र न ठहरे जिनके बीच वे थे और जिनके देखते हुए मैंने उनको मिस्र देश से निकालने के लिए अपने को उन पर प्रकट किया था। मैं उनको मिस्र देश से निकालकर जंगल में ले आया और वहां मैंने उनको अपनी विधियां बताए और अपने नियम बताए कि जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूं। तब भी इसराइल के घराने ने जंगल में मुझसे बलवा किया, वे मेरी विधियों पर न चले और मेरे नियमों को तुच्छ जाना, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उनके कारण जीवित रहेगा। और उन्होंने मेरे विश्राम दिन को अति अपवित्र किया। तब मैंने कहा, मैं जंगल में इन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर इनका अंत कर डालूंगा। परंतु मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि वह उन जातियों के सामने जिनके देखते मैं उनको निकाल लाया था अपवित्र न ठहरे। फिर मैंने जंगल में उनसे शपथ खाई कि जो देश मैंने उनको दे दिया और जो सब देशों का शिरोमणि है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है उसमें उन्हें न पहुंचाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम तुच्छ जाने और मेरी विधियों पर न चले और मेरे विश्राम दिन अपवित्र किए थे, इसलिए कि उनका मन अपनी मूर्तों की ओर लगा हुआ था। तो भी मैंने उन पर कृपा की दृष्टि की और उनको नाश न किया और न जंगल में पूरी रीति से उनका अंत कर डाला। फिर मैंने जंगल में उनकी संतान से कहा, अपने पुरखाओं की विधियों पर न चलो, न उनकी रीतियों को मानो, न उनकी मूर्तें पूजकर अपने को अशुद्ध करो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, मेरी विधियों पर चलो और मेरे नियमों के मानने में चौकसी करो और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानो
और वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे, जिससे तुम जान जाओ कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ। परंतु उसकी संतान ने भी मुझसे बलवा किया, वे मेरी विधियों पर न चले न मेरे नियमों के मानने में चौकसी की, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उनके कारण जीवित रहेगा। फिर मेरे विश्राम दिनों को उन्होंने अपवित्र किया। तब मैंने कहा, मैं जंगल में उन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर अपना प्रकोप दिखाऊंगा, तो भी मैंने हाथ खींच लिया और अपने नाम के निमित्त ऐसा किया जिससे वह उन जातियों के सामने जिनके देखते हुए मैं उन्हें निकाल लाया था अपवित्र न ठहरे। फिर मैंने जंगल में उनसे शपथ खाई कि मैं तुम्हें जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम न माने और मेरी विधियों को तुच्छ जाना और मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया और अपने पुरखाओं की मूर्तों की ओर उनकी आंखें लगी रही। फिर मैंने उनकी ऐसी विधियां ठहराई जो अच्छी न ठहरे और ऐसी रीतियां जिनके कारण वे जीवित न रहे, अर्थात वे अपनी सब स्त्रियों के पहलौठों को आग में होम करने लगे। इस रीति मैंने उन्हें उन्हीं की भेंटों के द्वारा अशुद्ध किया जिससे उन्हें निर्वंश कर डालो और तब वे जान ले कि मैं यहोवा हूँ। हे मनुष्य के संतान, तू इस्राएल के घराने से कहे, प्रभु यहोवा यो कहता है कि तुम्हारे पुरखाओं ने इसमें भी मेरी निंदा की कि उन्होंने मेरा विश्वासघात किया, क्योंकि जब मैंने उनको उस देश में पहुंचाया जिसके उन्हें देने की शपथ मैंने उनसे खाई थी, तब वे हर एक ऊंचे टीले और हर एक घने वृक्ष पर दृष्टि करके वहीं अपने मेलबलि करने लगे और वहीं रीस दिलाने वाली अपनी भेंटे चढ़ाने लगे और वहीं अपना सुखदायक सुगंध द्रव्य जलाने लगे और वहीं अपने तपावन देने लगे। तब मैंने उनसे पूछा, जिस ऊंचे स्थान को तुम लोग जाते हो उसका क्या प्रयोजन है? इससे उसका नाम आज तक बामा कहलाता है। इसलिए इस्राएल के घराने से कह, प्रभु यहोवा तुमसे यह पूछता है कि क्या तुम भी अपने पुरखाओं की रीति पर चलकर अशुद्ध बने हो और उनके घिनौने कामों के अनुसार क्या तुम भी व्यभिचारिणी की नाई काम करते हो? आज तक जब जब तुम अपनी भेंटे चढ़ाते और अपने लड़के वालों को होम करके आग में चढ़ाते हो, तब तब तुम अपनी मूर्तों के निमित्त अशुद्ध ठहरते हो। हे इस्राएल के घराने, क्या तुम मुझसे पूछने पाओगे? प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, तुम मुझसे पूछने न पाओगे और जो बात तुम्हारे मन में आती है कि हम काठ और पत्थर के उपासक होकर अन्य जातियों और देश देश के कुलों के समान हो जाएंगे, वह किसी भांति पूरी नहीं होने की। प्रभु यहोवा यो कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, निश्चय मैं बली हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हारे ऊपर राज्य करूंगा और मैं बली हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूंगा और उन देशों में से जिनमें तुम तीतर बीतर हो गए थे इकट्ठा करूंगा और मैं तुम्हें देश देश के लोगों की जंगल में से ले जाकर वहां आमने सामने तुमसे मुकदमा लड़ूंगा, जिस प्रकार मैं तुम्हारे पूर्वजों से मिस्र देश रूपी जंगल में मुकदमा लड़ता था उसी प्रकार तुमसे मुकदमा लड़ूंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। फिर मैं तुम्हें लाठी के तले चढ़ाऊंगा और तुम्हें वाचा के बंधन में डालूंगा और मैं तुम में से सब बलवाइयों को जो मेरा अपराध करते हैं निकालकर तुम्हें शुद्ध करूंगा और जिस देश में वे टिकते हैं उसमें से मैं उन्हें निकाल दूंगा, परंतु इस्राएल के देश में घुसने न दूंगा। तब तुम जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और हे इस्राएल के घराने,
तुमसे इस्राएल के घराने, तुमसे तो प्रभु यहोवा यो कहता है कि जाकर अपनी अपनी मूर्तों की उपासना करो तो करो, और यदि तुम मेरी न सुनोगे तो आगे को भी यही किया करो, परंतु मेरे पवित्र नाम को अपनी भेंटों और मूर्तों के द्वारा फिर अपवित्र न करना, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि इस्राएल का सारा घराना अपने देश में मेरे पवित्र पर्वत पर, इस्राएल के ऊंचे पर्वत पर सबका सब मेरी उपासना करेगा, वही मैं उनसे प्रसन्न होऊंगा, और मैं वहीं तुम्हारी उठाई हुई भेंटे और चढ़ाई हुई उत्तम उत्तम वस्तुएं और तुम्हारी सब पवित्र की हुई वस्तुएं तुमसे लिया करूंगा, जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूंगा और उन देशों में से जिनमें तुम तीतर बितर हुए हो इकट्ठा करूंगा, तब तुमको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा और अन्य जातियों के सामने तुम्हारे द्वारा पवित्र ठहराया जाऊंगा, और जब मैं तुम्हें इस्राएल के देश में पहुंचाऊंगा जिसके देने की शपथ मैंने तुम्हारे पूर्वजों के साथ खाई थी, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं, और वहां तुम अपने चाल चलन और अपने सब कामों को जिनके करने से तुम अशुद्ध हुए हो स्मरण करोगे और अपने सब बुरे कामों के कारण अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरोगे। और हे इस्राएल के घराने, जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे चाल चलन और बिगड़े हुए कामों के अनुसार नहीं परंतु अपने ही नाम के निमित्त बर्ताव करूंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि हे मनुष्य के संतान, अपना मुख दक्षिण की ओर कर और दक्षिण की ओर वचन सुना और दक्षिण देश के वन के विषय में भविष्यवाणी कर। दक्षिण देश के वन से कह कि यहोवा का यह वचन सुन, प्रभु यहोवा यो कहता है कि मैं तुझमें आग लगाऊंगा और तुझमें क्या हरे क्या सूखे जितने पेड़ है सबको वह भस्म करेगी, उसकी धधकती ज्वाला न बुझेगी, और उसके कारण दक्षिण से उत्तर तक सबके मुख झुलस जाएंगे। तब सब प्राणियों को सूच पड़ेगा कि यह आग यहोवा की लगाई हुई है और वह कभी न बुझेगी। तब मैंने कहा, हाय परमेश्वर यहोवा, लोग तो मेरे विषय में कहा करते हैं कि क्या वह दृष्टांत ही का कहने वाला नहीं है? यह इस्राएल के घराने, तुमसे तो प्रभु यहोवा यो कहता है कि जाकर अपनी अपनी मूर्तों की उपासना करो तो करो, और यदि तुम मेरी न सुनोगे तो आगे को भी यही किया करो, परंतु मेरे पवित्र नाम को अपनी भेंटों और मूर्तों के द्वारा फिर अपवित्र न करना, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि इस्राएल का सारा घराना अपने देश में मेरे पवित्र पर्वत पर, इस्राएल के ऊंचे पर्वत पर सबका सब मेरी उपासना करेगा, वही मैं उनसे प्रसन्न होऊंगा, और मैं वहीं तुम्हारी उठाई हुई भेंटे और चढ़ाई हुई उत्तम उत्तम वस्तुएं और तुम्हारी सब पवित्र की हुई वस्तुएं तुमसे लिया करूंगा, जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूंगा और उन देशों में से जिनमें तुम तीतर बितर हुए हो इकट्ठा करूंगा, तब तुमको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा और अन्य जातियों के सामने तुम्हारे द्वारा पवित्र ठहराया जाऊंगा, और जब मैं तुम्हें इस्राएल के देश में पहुंचाऊंगा जिसके देने की शपथ मैंने तुम्हारे पूर्वजों के साथ खाई थी, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं, और वहां तुम अपने चाल चलन और अपने सब कामों को जिनके करने से तुम अशुद्ध हुए हो स्मरण करोगे और अपने सब बुरे कामों के कारण अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरोगे। और हे इस्राएल के घराने, जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे चाल चलन और बिगड़े हुए कामों के अनुसार नहीं परंतु अपने ही नाम के निमित्त बर्ताव करूंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि हे मनुष्य